13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत शब्द मलकुल नाम वाले राजवंश का उदय होने लगा। 200 वर्ष में इन राजाओं ने शक्ति एकजुट की। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश का बहुत ज्यादा भाग एकीकृत राज्य के अधीन में आ गया, लेकिन यह एकीकरण कम समय तक ही टिक सका। 1482 में ये राज्य 3 भाग में विभाजित हो गया, कांतिपुर, ललितपुर और भक्तपुर, जिसके बीच में शताब्दियों तक मेल नहीं हो सका। राजा स्थिति मल अस्तव्यस्त, आर्थिक, धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में पूर्ण रूप से समर्थ हुए। राजा पक्षमल्ल ने केंद्रीय शासन को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया, किंतु उनके निधन पर पश्चात उनके उत्तराधिकारियों ने राज्य को आपस में बांटकर पुनः राजनीतिक इकाइयां खड़ी की। मध्यकालीन नेपाल साहित्य, संगीत और कला की दृष्टि से उन्नत होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से अवनति की ओर ही बढ़ा। जनजीवन अशांत था। यूरोपीय साम्राज्यवादियों की कुदृष्टि भारत के पश्चात नेपाल पर भी पड़ गई थी। नेपाल के विरुद्ध किनलोक का सैनिक अभियान और उपत्यका में ईसाई पादरियों की चहल पहल इस तथ्य के प्रमाण है। गोरखा राज्य इन दिनों काफी सबल हो चुका था। नेपाल की छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों पर और नेपाली जनजीवन पर गोरखा राज्य का प्रभाव छा गया था। न्यायमूर्ति राजा रामशाह के न्याय की चर्चा नेपाल भर में फैल गई थी। राजा पृथ्वीपति शाह के राज्यकाल में बंगाल के नवाब ने गुरगिन खां के नेतृत्व में नेपाल पर आक्रमण करने के लिए 50-60 हजार फौज भेजी थी। नवाब की सेना मकवानपुर के तराई क्षेत्र में पड़ाव डाले हुई थी। मकवानपुर ने गोरखा राज्य से सहायता की याचना की। गोराखा के कुछ जवानों ने नवाब की सेना को गाजर मूली की तरह काट डाला। बचे हुए सैनिक अपनी जान बचाकर भाग निकले। उपर्युक्त इन दो कारणों से गोरखा राज्य नेपाली जनजीवन के सुखद भविष्य का आशा केंद्र हो गया था। जनजीवन की इस आकांक्षा को नेपाल राष्ट्र के जनक महाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाह ने समझा और नेपाल के एकीकरण के लिए अभियान प्रारंभ किया। जिस प्रकार यूरोप में सार्दिनिया राज्य ने इटली का और प्रशा राज्य ने जर्मनी का एकीकरण किया, उसी प्रकार गोरखा राज्य ने पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में नेपाल का एकीकरण किया। मध्यकालीन नेपाल के अंतिम चरण में अर्थात राष्ट्र के जनक पृथ्वी नारायण शाह के उदय होने से पूर्व विदेशी लोग नेपाल पर दांत गड़ाने लगे थे। नेपाल उपत्यका में पादरी लोग ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे। मल राजा आपसी फूट, वैमनस्य, झगड़ा, युद्ध आदि बातों में निरंतर व्यस्त थे। नेपाल उपत्यका के बाहर के राज्य भी आपस में लड़ झगड़ कर अपनी जन धन शक्ति को क्षीण कर रहे थे। राजाओं ने आपसी झगड़े, मल राजाओं द्वारा देव मंदिर की संपत्ति का व्यक्तिगत उपभोग, राजा भास्कर मल द्वारा हिंदू भावना के विरुद्ध एक मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य आदि मध्यकालीन राजनीतिक स्थिति को धूमिल बनाते हैं और साथ ही नेपाल की सार्वभौम स्वतंत्रता को अधर में डाल देते हैं। जिस प्रकार शमशुद्दीन इलियास के आक्रमण के पश्चात राजा स्थितिमल्ला ऐतिहासिक आवश्यकता के रूप में दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार साम्राज्यवादियों से नेपाल का बचाने वाले के रूप में पृथ्वी नारायण शाह ऐतिहासिक आवश्यकता स्वरूप दिखलाई पड़ते हैं। गोरखों ने 1790 में तिब्बत पर आक्रमण किया, किंतु यह आक्रमण नेपाल को महंगा पड़ा। चीन ने 1791 में तिब्बत का पक्ष लेकर अपनी सेनाएं नेपाल में प्रविष्ट करा दी और 1792 में गोरखों को संधि करने पर विवश किया। इसी वर्ष ग्रेट ब्रिटेन और नेपाल में द्वितीय वाणिज्य संधि संपन्न हुई और नेपाल में एक अंग्रेज कूटनीतिज्ञ की नियुक्ति की व्यवस्था हो गई। भारत नेपाल सीमा विवाद के समय 1814 में ब्रिटेन ने नेपाल के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। मार्च 1816 में नेपाल ने अपनी कुछ भूमि अंग्रेजों को दे दी और काठमांडू में अंग्रेजी रेजिडेंसी की स्थापना हो गई। 1857 के भारतीय सिपाही विद्रोह में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री जंग बहादुर ने अंग्रेजी सेना की सहायता के लिए 12,000 सैनिक भेजे। धर्म विरोधी, जाति विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी कार्यों ने सच्चे नेपाली के मन में सुदृढ़ नेपाल राष्ट्र खड़ा करने की भावना को जन्म दिया। नेपाल की छिन्न भिन्न राजनीतिक इकाइयों को एक सूत्र में बांधकर नेपाल राष्ट्र खड़ा करने के लिए वहां की राजनीतिक इकाइयों का एकीकरण हुआ।